देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ गरिमा भारती। नवंबर का महीना आ चुका है, सुबह सुबह ठंड काफ़ी होती है, लेकिन इस ठंड में भी लोगों की ये जो भीड़ आप देख रहे हैं वो केवल आस्था है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने आज त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसको लेकर देवताओं ने देव दिवाली भी मनाई थी। इसी अवसर पर लोग गंगा नदी में या फिर किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। कहते हैं कि इससे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से गंगा नदी में लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग स्नान कर रहे हैं। हम अभी काली घाट में है, गंगा नदी के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि NDRF की टीम जो है गंगा नदी में तैनात है, लोगों की सुरक्षा के लिए रिवर एम्बुलेंस तक का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी को भी अगर किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सके तो NDRF की टीम उनके लिए वहाँ पर तैनात रह सके। आप देख सकते हैं कि गंगा घाट पर इतनी भीड़ है कि खड़े रह पाना भी मुश्किल है, फिर भी हमारे देश की आस्था ऐसी है, हमारे देश की श्रद्धा ऐसी है कि लोग हर पर्व में किसी भी तरह से आकर अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। से बात करें, आप गंगा स्नान कर ली? जी। क्या महत्व है आज के दिन गंगा स्नान करने का? महत्व तो दिल साफ करने का है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के माँ गंगे इसी लोग को विश्वास एवं आस्था जगाती है, इसी कारण हम लोग गंगा स्नान आते हैं। अच्छा। आपका स्नान हो गया? हाँ, हो गया स्नान। आप बताइए क्या महत्व है सुबह सुबह गंगा स्नान करने का? स्नान करने से आदमी होता है कि शुद्ध होता है, कि हाँ चलो गंगा स्नान कर ले, शुद्ध हो जाऊंगी। हम लोग का आस्था है, आस्था के साथ अपने माँ गंगे को दर्शन करना। अच्छा, सुबह सुबह गंगा स्नान करने के अलावा भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन? हाँ, कार्तिक पूर्णिमा भर महीना लोग स्नान करता है। अच्छा। शाम को अर्घ देता है भगवान को। मतलब आज के दिन से शुरुआत हो गई, आज से लेकर एक महीने तक लोग स्नान करते हैं। आज अंतिम दिन है। अच्छा, आज अंतिम दिन है। हाँ, आज अंतिम दिन है। आज हम लोग पूर्णिमा को अंत कर रहे हैं। अच्छा। माँ गंगे का अपना प्रवाहन कर रहे हैं, जो आस्था जगाए हर महीने उस माँ गंगे को दर्शन कर कर अपना पूजा आस्था को आज अर्पण दे रहे हैं माँ गंगे। आपका नाम क्या हुआ पहले? विष्णुकांत पांडे। आप यहाँ पर करवा क्या रहे हैं लोगों से? संकल्प, कार्तिक स्नान जो करते हैं ना, उनका संकल्प हो रहा है, दान पुण्य कर रहे हैं। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन सुबह सुबह गंगा स्नान करने का क्या महत्व है? इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इसमें जो भी जो पहले से पाप किए हुए रहते हैं पूर्व जन्म के, उन गंगा स्नान करने से सारा पाप धुल जाता है, मिट जाता है। बहुत बड़े पाप भी रहते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके पीछे की कहानी मैंने पढ़ा है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। हाँ, तो वो थोड़ा अगर आप हमें बता सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे गंगा कार्तिक स्नान जो करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही इसका महत्व है, जिसके कारण मैंने इसमें जैसे विष्णु भगवान का पूजा होता है, हमला का पूजन होता है, जो कि सर्वे जितना भी पाप किए हुए रहते हैं पूर्व जन्म के या अभी मैंने शुरू से अंतिम तक के, उसका सारा नष्ट हो जाता है। मतलब मुख्य रूप से माना जाए तो पापों से मुक्त होने के लिए आज के दिन गंगा स्नान मिलनी वही होता है। हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं जो कि शायद स्नान कर चुकी है। आपने स्नान कर लिया गंगा नदी? हाँ। तो क्या महत्व है आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने का? आज का बहुत महत्व है। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और कार्तिक का अंतिम महीना भी है जी। और आज के दिन कार्तिक मतलब महात्म जो होता है, एक महीने का पर्व खत्म होता है, व्रत होता है, जो महिलाएं लोग नहाती है ना, उन्हीं का आज पूर्ण हो गया, संपूर्ण हुआ, आज कार्तिक पूर्णिमा है। अच्छा, आज के दिन नहाने के बाद की भी कोई विधि है? अगर आप लोग घर जाकर नहाने के बाद गंगा स्नान और दान आज कार्तिक महीना का अंतिम पूजा पाठ करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ब्राह्मण को भोजन कराना है, दान दक्षिणा देना है गंगा। तो आपसे हम जानना चाहेंगे आप कितने सालों से करती आ रही हैं कार्तिक पूर्णिमा? तो ये बताएंगे हम, आप कितने सालों से कर रही हैं, आप ये बता सकते हैं? हम ऐसे नहा नहा के हर साल नहाते हैं, हर साल करते हैं, हर साल करना ही है, करते ही हैं। 20-25 साल से लगातार इसी घाट पर? ना, मतलब किसी भी पवित्र नदी? हाँ, कहीं भी। वो लोग मौजूद हैं जो इस तमाम व्यवस्था को जो लोग देख रहे हैं, जो लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात है। सर, सुरक्षा व्यवस्था तो काफी अच्छी लग रही है, कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को कंट्रोल कर पाना? कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग कंट्रोल कर किए हुए हैं और अच्छे ढंग से यात्री लोग आए हैं और स्नान कर रहे हैं और सभी लोग, किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है,
हम लोग बहुत हेल्प में है, दंडाधिकारी से लेकर पुलिस पदाधिकारी तक, कांस्टेबल लोग, सभी हम लोग प्रशासन मौजूद हैं। सर आप पटना कलेक्ट्रेट से हैं, तो कलेक्ट्रेट के तरफ से क्या व्यवस्था की गई है आज? सब जगह पुलिस दंडाधिकारी प्लस पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल महिला और पुरुष दोनों का प्रतिनियुक्ति किया गया है और सभी लोग अपने अपने विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं और पटना कलेक्ट्रेट या जिला प्रशासन के द्वारा जो है पुलिस प्रशासन को भी लगाया हुआ, जो कि स्मूथली जो है लोग स्नान, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और अपना आराम से जा भी रहे हैं। तो अब तक की जो भी व्यवस्था है सुबह से लेकर अब तक सब कुछ स्मूथ रहा है? हाँ, सभी अभी स्मूथ है। हम लोग जिला प्रशासन से हैं, ये जो ड्यूटी लगी हुई रात को रात्रि 2 बजे से लेकर ये शाम 6 बजे तक चलेगी और यहाँ हर स्तर से लेडीज कांस्टेबल, मजिस्ट्रेट और हर स्तर से आपको हर रोड से लेकर आपको गंगा तक, बोटिंग तक, सब जगह आपको तैनात रखा। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी प्रशासनिक व्यवस्था की गई है जी। तो रात के 2 बजे से आप लोग यहाँ पर बैठे? हाँ, रात के 2 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं और ये प्रक्रिया शाम तक चलेगी। 2 शिफ्ट में हम लोग काम करेंगे, 10 बजे तक हम लोग रहेंगे, इसके बाद 10 बजे से 6 बजे तक सेकंड पाली वाले जो तैनात मजिस्ट्रेट होंगे, पुलिस पदाधिकारी होंगे, वो प्रतिनियुक्त होंगे यहाँ पर। नहीं किए हैं अभी? अच्छा, अभी नहीं किए हैं? नहीं। तो मतलब कितने सालों से आ रही हैं आप गंगा स्नान करने के लिए? आज हम लोग 8 साल से आ रहे हैं। लगभग 8 साल से। क्या महत्व है आज के दिन का, आज के दिन गंगा स्नान करने का? आज का दिन का तो कहना नहीं है महत्व। आप बताइए, आप कितने सालों से गंगा स्नान कर रहे हैं? हम तो दान कर दिया स्नान करके। आप स्नान कर ली? हाँ। कितने सालों से कर रहे हैं? हम कर रहे थे बड़ी साल से, तो दान कर दिया। सब दान कर दिया? हाँ, सब दान कर दिया, अब हमको नहीं। क्या महत्व होता है आज के दिन? आज के दिन बहुत बड़ा महत्व है, पूर्णिमा है। पूर्णिमा है? हाँ। कहते हैं पापों से मुक्ति मिल जाती है। हाँ हाँ, तो सब पाप कट जाता है गंगा नहाने से। कार्तिक महात्म का यही है, हम लोग नहाते हैं कार्तिक में, स्नान करते हैं, आंवला पेड़ के पास पूजा करते हैं, इसीलिए आज का दिन माने कहता है गंगा स्नान करने का ज़्यादा। वह कितने आदमी तो 5 दिन तक गंगा सेवन करते हैं, लेकिन हम लोग लाचार हैं इसलिए 1 दिन आते हैं, दूर में है इसलिए। अच्छा, मतलब स्नान के बाद आंवला के पेड़ के साथ पूजा करते हैं, अक्षय नवमी के दिन वहाँ दान करते हैं, भुआ दान करते हैं, वो गुप्त दान। भुआ दान क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार? भुआ उसको क्या आप लोग कोई भतुआ बोलते हैं, कोई भुआ बोलते हैं, हम लोग तो भुआ ही बोलते हैं ना। और उसमें माने उसको कट करके थोड़ा सा उसमें अंदर कोई चीज़ डाला जाता है, सोना चांदी पैसा जिनको जो शक्ति हो, द्रव्य और पंच धातु का कोई चीज़ बना हुआ है, वो गुप्त दान होता है, बताना नहीं चाहिए। वो पंडित जी दान कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बता? किसी को नहीं, केवल वो पंडित जी खोलेंगे तभी जानेंगे कि क्या मिला है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, समझे। तो आप यहाँ से जाकर फिर दान भी करेंगे? नहीं, दान तो उस दिन कर दिया, अक्षय नवमी के दिन। अच्छा, आज केवल पंडित जी को आज या कल, हम लोग 5 दिन फल पे हैं। अच्छा। तो एकादशी से पूर्णिमा तक अन्न नहीं खाते, नमक नहीं, अन्न नहीं, फल पे हैं। तो आज नहा के जाएंगे, पूजा करेंगे और कल ब्राह्मण को खाना दे के उसके बाद खाना खाएंगे। पता है आज के दिन का महत्व क्या है, आप लोगों ने गंगा स्नान किया? हाँ, आज पूर्णिमा होता है और आज के दिन यहाँ गंगा नदी में नहाया जाता है और कहा जाता है कि आज के दिन नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या लगता है, पाप धुल जाएंगे? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत बिलीव है। हाँ। और आपकी फ्रेंड्स भी आई हुई है साथ में, आप लोगों का भी हो गया ना गंगा स्नान? किन से सुना कि नहाने से पापों से? अपनी मम्मी से सुना। मम्मा से, और जो पंडित जी होते हैं ब्राह्मण लोग, उन लोगों से बोलते हैं। संतोष प्राप्त होता है कि हम लोग ये काम को करके संतुष्ट हुए। और कुछ बताइए, और कुछ बताइए तो आपको पता क्या? आज तो सभी जानते हैं कि हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को नहाने से सबको मतलब अच्छा प्राप्त होता है, जो मांगता है सो मिलता है, और क्या। लाल, आपको देख के लग रहा है आप पूरी संतुष्ट है नहा कर, बहुत खुश हैं। और कुछ और यही बोलना है कि हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय किए हैं आज के मोमेंट को, और बी हैप्पी ऑलवेज। ओके, आप लोग अकेले आए हुए हो यहाँ पर? नहीं, अपनी मम्मियों के साथ। ओके,
गंगा घाट पर लोगों की भीड़ कितनी लगी हुई है, लोगों की भीड़ क्या कहती है, ये दिखाती है हमारे देश की परंपरा और लोगों के दिल में बसी हुई आस्था। हमने लोगों से बात की, किन्हीं ने कहा कि वो सालों से गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि इस दिन स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं हमने पंडित जी से बात की तो उन्होंने भी इस दिन का महत्व बताया। आपने देखा कि पुलिस के जवान, एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन पूरी तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए यहां पर मुस्तैद खड़े हैं। आप अभी भी देख सकते हैं यहां का नज़ारा, किस तरह से गंगा नदी के किनारे बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि लोग उस पार स्नान कर सकें और इस पार किसी भी तरह का खतरा ना हो सके। एनडीआरएफ के जवान नदी में तैनात है लोगों की सुरक्षा के लिए। बहरहाल अब बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।